दिल्ली को डुबोने के लिए कौन सा बैराज जिम्मेदार है? इस बैराज का मालिक दिल्ली में बैठता है, हरियाणा में या फिर यूपी में? क्या बैराज यमुना के फ्लो को रोक सकता है, पानी का रुख मोड़ सकता है? 72 घंटे से बैराज के 5 गेट खोलने की कोशिश हो रही है, सेना लगी हुई है, फिर भी अभी एक ही गेट क्यों खुल पाया है? इन गेट्स का मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ? किसकी लापरवाही है? यमुना का वाटर लेवल इस वक्त 205.78 मीटर पर है और अभी भी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली को यमुना के कहर से कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, पूरा सीक्वेंस समझने के लिए आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी होगी। आईटीयू बैराज के जाम पड़े 5 में से एक गेट खुलने के बाद दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिली है। दूसरा गेट खोलने के लिए आर्मी की टीम और नेवी जुटी हुई है, यानी यमुना बहुत जल्द खतरे के निशान से नीचे आ जाएगी। आईटीयू बैराज में टोटल 32 गेट हैं। आईटीयू बैराज के 27 गेट हमेशा खुले रहते हैं। जाम पड़े 5 गेटों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी जाम पड़े 5 में से सिर्फ एक गेट ही खुल सका। 3 दिन से 24 घंटे जाम पड़े गेट खोलने की जंग चल रही है। आईटीओ बैराज पर आर्मी और नेवी की टीम लगातार काम कर रही है। नेवी की टीम में डाइवर्स, वेल्डिंग और अंडर वाटर कटिंग के एक्सपर्ट शामिल है। नेवी के गोताखोर ऑक्सीजन की मदद से यमुना में गोते लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। आईटीओ बैराज के जो गेट जाम हैं, उन्हें आप पहचानेंगे कैसे, इसे ऐसे समझिए। अगर आप नोएडा से दिल्ली की ओर जाते हैं तो आईटीओ बैराज पर सबसे पहले आने वाला गेट नंबर 1 होगा, फिर 2, 3, 4, 5 और उससे आगे बढ़ने पर 2, 3, 4, 5 होते हुए टोटल गिनती 32 नंबर गेट पर पूरी होती है। फिलहाल गेट नंबर 1 को खोलने में सफलता मिली है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा गेट खोलना अभी बाकी है। आप सोच रहे होंगे कि आईटीओ बैराज के जब 27 गेट हमेशा खुले रहते हैं तो 5 गेट बंद क्यों थे? इन 5 गेटों को हमेशा खुला क्यों नहीं रखा गया? दरअसल शुरुआत के 5 गेट पूरी तरह जाम इसलिए हैं क्योंकि इन 5 गेटों की देखरेख नहीं की गई, यानी गेटों का मेंटेनेंस कभी नहीं किया गया, इसी वजह से ये गेट जाम हो गए। साथ ही गेट को ऊपर खींचने के लिए लगाई गई बड़ी बड़ी मोटर से कनेक्टेड बॉल बियरिंग की भी ग्रीसिंग नहीं होती थी, जिससे गेट के सारे लीवर जाम हो गए। इसके बाद गेट जाम होने की दूसरी वजह भी है, दिल्ली में यमुना नदी में पॉल्यूशन काफी ज्यादा है। पूरे शहर का पानी नालों के जरिए यमुना में गिरता है। कई नालों का पानी बिना ट्रीटमेंट के ही यमुना में मिलता है, इससे सिल्ट यानी गाद बनता है। आईटीओ बैराज के 5 गेट हमेशा बंद रहे हैं, इसीलिए गाद को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। साथ ही गाद काफी गाढ़ा होने की वजह से बंद पड़े गेटों के पास यमुना में ही रुक गया और गेट से चिपक गया, इसी वजह से गेट जाम हो गए। गेट ऐसे वैसे जाम नहीं हुए, गेट पर कई टन का प्रेशर बढ़ गया जिससे गेट खींचने वाली मोटर की ताकत कम पड़ गई और गेट नहीं खोले जा सके। आपको बताते चले कि आईटीओ बैराज के एक गेट का वजन 15 टन है। जब गाद से चिपक गया तो एक गेट पर करीब 60 टन का प्रेशर लगने लगा, यानी गेट का वजन और गाद का प्रेशर मिलाकर टोटल प्रेशर 75 टन हो गया। इस वजह से बैराज के गेट पूरी तरह जाम हो गए और खोलने में काफी वक्त लग रहा है। ये वो आईटीओ बैराज है जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीति भी चल रही है और ये सवालों के घेरे में भी है। वजह ये है कि ये आईटीओ बैराज हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटर किया जाता है, हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर ये आता है, उनका ही काम इसके रखरखाव का है। लेकिन इस बैराज की वजह से बैराज के कुछ गेट्स हैं जो बंद हैं, जिसकी वजह से यमुना का पानी पूरी तरह फ्लो में नहीं बह पा रहा है। कुल आपको इस बैराज के गेट्स दिखाएं तो 32 गेट हैं, लेकिन इसमें से 5 गेट जब सामने आया 2 दिन पहले कि 5 गेट बंद है और उन 5 गेट्स में से एक गेट को फिलहाल खोल दिया गया है और ये एक गेट पिछले 24 घंटे में खोला गया। कल यहां पर आर्मी और नेवी की टीम लगी, इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम लगी, उसमें से एक गेट को फिलहाल खोला गया है, लेकिन बाकी के जो 4 गेट्स हैं वो अभी भी बंद है और इन्हीं 4 गेट्स को खोलना एक बड़ा चैलेंज है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह ये सामने आई है कि ये जो गेट्स नीचे की तरफ हैं, ये इनके आसपास काफी ज्यादा मिट्टी, काफी ज्यादा सिल्ट, मड है और इसके कारण इन गेट्स को ऊपर
ऊपर उठाना काफी मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले तो सर कितनी बड़ा चैलेंज है, कैसे ये पूरा प्रोसेस आप लोग कर रहे हैं इन सभी गेट्स को खोलने का जो जो इस वक्त बंद है? मैम, हमें जो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी अंडर वाटर कटिंग की, तो वो लेके आए हैं। प्लस जो हमने अनुमान लगाया परसों, डिटेल रेकी की हमारी टीम ने आके, तो उसके हिसाब से सिल्ट रिमूवल वाज अ मेजर चैलेंज, तो वो लेके आगे अंडर वाटर वेल्डिंग का भी सामान ले आए हैं। तो जैसे जैसे जिस गेट में जो रिक्वायरमेंट होगी, सारी क्षमता हमने यहाँ से मोबिलाइज कर दी, रिसोर्सेज बॉम्बे तक के लोग बुला के और सामान लेके आ गए हैं, एंड सारा अवेलेबल है इधर शॉर्ट नोटिस पे, जो चीज़ है कमिट कर देंगे यहीं पर। जो रेकी की गई जो सिल्ट है नीचे, वो कितना है, कैसे, कितना वक्त लग सकता है उसको रिमूव करने में, जिस भी जो भी गेट सिल्ट की वजह से इस वक्त जाम है? जो पहले गेट पे आप देख लीजिए, तकरीबन 24 घंटे लगे थे, अगर उसे एक यार्ड स्टिक लेके चलें तो उतना ही टाइम हर गेट पे लग सकता है। बट हर गेट की चुनौतियाँ अलग हो सकती हैं, किसी का ग्रूव टेढ़ा हो सकता है, किसी की वायर पार्ट हो सकती है, तो मतलब एक टेम्पलेट सब जगह नहीं लग पाएगा। दिल्ली में यमुना नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, नॉर्थ में हरियाणा से दिल्ली में यमुना इंटर करती है और साउथ में यूपी की ओर निकल जाती है। इस दौरान दिल्ली में टोटल 3 बैराज से होकर गुजरती है यमुना नदी, यानी यमुना के पानी को दिल्ली में 3 जगह पर डाइवर्ट करने और कुछ देर के लिए रोकने की व्यवस्था है, जिसे बैराज कहते हैं, यानी नॉर्थ बैराज, सेंट्रल बैराज और साउथ बैराज। दिल्ली के नॉर्थ में वजीराबाद बैराज है। वजीराबाद बैराज के मेंटेनेंस का काम दिल्ली सरकार देखती है। इस बैराज को क्रॉस करने के बाद यमुना सेंट्रल दिल्ली तक बिना किसी रुकावट के आती है। बीच में है आईटीओ बैराज। आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। दिल्ली के साउथ में है ओखला बैराज। ओखला बैराज की देखरेख का काम यूपी सरकार के जिम्मे आता है। दिल्ली में सबसे पहला वजीराबाद बैराज से बाढ़ का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि यह दिल्ली के सबसे ऊपरी इलाके में है, इसलिए वहां पॉल्यूशन भी उतना नहीं, जिससे उस इलाके में यमुना में गाद की समस्या बहुत कम है और बैराज का गेट जाम जैसी प्रॉब्लम भी अब तक देखने को नहीं मिली। आपको बता दें कि वही इलाका है जहां पे जब यमुना हरियाणा के पल्ला से होते हुए दिल्ली के अंदर प्रवेश करती है, तो वजीराबाद के रास्ते से होते हुए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घुसती है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना का जो फ्लड प्लेन है वो पूरी तरह से सिकुड़ चुका है, यानी कि वो देखिए उधर से आती हुई जो यमुना नदी का रास्ता है वो आगे से जो है छोटा होता जा रहा है। छोटा होने की वजह से यमुना इधर जो है आपको छोटी दिखेगी, यानी कि चौड़ाई जो है यमुना की वो काफी कम हो गई है। उसका कारण ये कि यमुना के आसपास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसके आसपास जो अवैध झुग्गियां या अवैध घर जो बनाए गए हैं, उसकी वजह से यमुना का रास्ता जो है छोटा होता हुआ आपको नजर आएगा। आगे की तरफ अगर कैमरा पैन करें तो देखिए जब यमुना वजीराबाद के पुराने पुल से होते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, तो देखिए आगे यमुना फिर चौड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली में बाढ़ आई उसका बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि यमुना के फ्लड प्लेन में या यमुना के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो है अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया। दिल्ली में बाढ़ के कारणों में सबसे अहम यमुना पर बना दूसरा बैराज, यानी आईटीओ बैराज। आईटीओ बैराज के दोनों तरफ खेती की जाती है, सब्जियां उगाई जाती हैं, सैकड़ों नर्सरी हैं। यमुना का वाटर लेवल बढ़ने के बाद खादर इलाके में सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई, सैकड़ों एकड़ फसल बाढ़ के पानी में डूब गई। यमुना का पानी आ गया, अब कुछ बचा ही नहीं, किसानों की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है वो सारी जमीन डीडीए की है और डीडीए वाले केजरीवाल सरकार की नहीं सुनते। बड़ी मात्रा में इंक्रोचमेंट भी यहाँ पर हो रखा है, बहाव सिर्फ उस तरफ हो रहा है, अगर यहाँ गेट खुल भी जाएंगे तब भी शायद बहाव इस तरफ आ ही ना पाए। डीडीए के हाफ फ्लड प्लेन है, आप देखेंगे बाहर ना आसिता ईस्ट डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो अब उनको वो ज्यादा हमारी उनसे है नहीं, वो हमारी ज्यादा सुनते भी नहीं है, अपने हिसाब से ही काम करते हैं। आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस का काम हरियाणा सरकार देखती है, इसके बदले में हरियाणा सरकार एक तय रकम दिल्ली सरकार से लेती है, उसके बाद ही आईटीओ बैराज का मेंटेनेंस करती है। हरियाणा सरकार का आरोप है कि दिल्ली सरकार की ओर से आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस की फीस जमा नहीं की गई, जबकि दिल्ली सरकार का इल्जाम है कि बैराज के मेंटेनेंस के लिए कोई रकम हरियाणा सरकार ने मांगी ही नहीं। हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का कहना है कि इसके मेंटेनेंस का खर्चा दिल्ली सरकार को देना है, जबकि दिल्ली सरकार ने 5 साल से नहीं है। तो झूठ बात है, आप बताइए, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी हो पिछले साल, लिखी हो उससे पिछले साल, लिखी हो उससे पिछले साल, लिखी हो
सरकार के अंदर जो पैसा लिया दिया जाता है उसकी बाकायदा डिमांड दी जाती है और डिमांड के अगेंस्ट पैसा दिया जाता है, चाहे वो एक रुपया क्यों ना उन्होंने भेजी हो कभी डिमांड। ये तो आप जो है एक हफ्ते तक तो वो ये मानते रहे कि ये कोई समझ ही नहीं पाएगा कि हरियाणा सरकार का है। अब जब बात पूरी उन पर आ गई तो साहब उन्होंने दो दिन में ये जो है ये एक बहाना ढूंढा है, तो अब जल्दबाजी के अंदर सोचा कि कुछ तो बोला जाए। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, अब दे दिए क्या हमने पैसे? अब क्यों काम हो रहा है? अभी भी तो नहीं दिए पैसे। फिर ये सिर्फ कहने की बात है। ये जो है मुझे लगता है खट्टर साहब के ऊपर से जो है प्रधानमंत्री का प्रेशर होगा कि तुम्हारी वजह से दिल्ली डूब गई, अब वो ये सब कर रहे हैं। दिल्ली में आखिरी और तीसरा बैराज है ओखला बैराज। ओखला बैराज का मेंटेनेंस यूपी सरकार करती है। ओखला बैराज से आगरा कैनाल निकलती है जो इस इलाके की सबसे बड़ी नहर है। दिल्ली में बाढ़ के दौरान यमुना का पानी ओखला बैराज में भी बढ़ा था, लेकिन इसके गेट खोलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि वक्त पर इस बैराज का मेंटेनेंस यूपी सरकार करती रहती है। यमुना एक अंतर्राज्य नदी है, यानी कई राज्यों से गुजरती हुई ये नदी आती है और इसीलिए अलग अलग राज्यों के पास से गुजरती हुई जब ये नदी पहुंचती है तो वहां पर जो उनका इलाका होता है वहां पर सरकारों का अलग अलग सरकारों का उसका कंट्रोल और वहां पे मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उस जगह सरकार की होती है जहां से यमुना नदी गुजरती है। उसी तरह से ओखला बैराज ये इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। उसके कारण ये क्योंकि ये जो सामने आप बड़ी सी दीवार देख रहे हैं इसके इस तरफ का जो इलाका है वो दिल्ली का है और इसके उस तरफ का जो इलाका है वो पूरा उत्तर प्रदेश का है, यानी ये पानी यहां से होता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका रखरखाव इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की है। जब बाढ़ आती है और जब पानी काफी ज्यादा हो जाता है तो पानी को कंट्रोल करने का भी एक तरीका है, यानी हर जगह जगह जहां से यमुना नदी गुजर रही है तो वहां पर फ्लड सेंटर्स बनाए जाते हैं, बाढ़ सेंटर्स बनाए जाते हैं और उन बाढ़ सेंटर्स की मदद से आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, आपस में तालमेल बैठता है और उसके बाद फैसला लिया जाता है कि पानी को कितनी मात्रा में रोका जाए और कितनी मात्रा तक वो पहुंच जाए तब पानी को छोड़ा जाए। तो ये सभी तरीके हैं जिस तरह से बैराज पे काम होता है। बड़ा जो बड़ी चीज हम आपको दिखा रहे हैं वो ये जो बड़ा ये गेट है वो बाढ़ के समय खोल दिया जाता है और जब बाढ़ नहीं होती है जब पानी कम होता है तो उस वक्त ये गेट नीचे कर दिया जाता है और पानी को इकट्ठा करके अलग अलग नहरों के माध्यम से जो है दिल्ली के अलग अलग इलाके और कई अलग अलग राज्यों के इलाकों तक उस पानी को पहुंचाया जाता है। कैमरा दिनेश दिमाग के साथ पीयूष मिश्रा, इंडिया टीवी दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।